क्वेश्चन नंबर एट, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स। यहां देखो हमारे पास कांस्टेंट टर्म नहीं है, फिर भी हम यहां क्या लगाएंगे, कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड लगाएंगे और कांस्टेंट टर्म अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर एट, एक्सरसाइज 7.6, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स हमें दिया हुआ है, इसमें हम क्या करेंगे, कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड लगाएंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस टू लिखा, एक्स लिखा और एक्स का कोफिशियंट को हाफ कर दिया तो हमें वाई मिल गया। 3/2 का स्क्वायर ऐड करेंगे, 3/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, डीएक्स। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर डीएक्स। अब एक्स प्लस 3/2 को हम टी पुट कर दें तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 3/2 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो 1 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, मीन्स डी एक्स हमारा हो जाएगा डी टी। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर डी टी। अब देखो यहाँ हमारे पास कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, जो होता है एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी लगाए। ठीक है, तो टी बाई टू अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर बाय टू लॉग ऑफ टी प्लस अंडर रूट 3/2 का सॉरी टी स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर प्लस सी। टी की वैल्यू रख देते हैं वापस एक्स प्लस 3/2, तो एक्स प्लस 3/2 बाय टू अंडर रूट एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, 4 नीचे जाएगा तो 9/8 लॉग ऑफ एक्स प्लस 3/2 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस सी। यहाँ हम एलसीएम ले, नीचे 2x प्लस 3 और 2 नीचे जाएगा तो बाय 4, इसको जब हम एक्सपांड करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाकर तो ये वापस एक्स स्क्वायर प्लस 3x आएगा माइनस 9/8 लॉग ऑफ एक्स प्लस 3/2 प्लस इसे वापस अगर एक्सपांड करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x देगा प्लस सी। तो ये हमारा फाइनल आंसर।